हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अपन एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि स्टाफ नर्स की पोस्ट का है। और ये जो श्री चित्रा त्रिनाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, इस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये पेपर लिया गया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आने वाली एग्जाम के लिए एग्जाम में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इनमें से क्वेश्चन आने वाली एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो अपन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए पेशेंट हैज़ अंडरगोन सर्जरी फॉर पिट्यूटरी एडिनोमा की सर्जरी होनी है, और थ्रू ट्रांसफिनोइडल अप्रोच, ठीक है। द नर्स अंडरस्टैंड दैट इट इज़ हाईली सिग्निफिकेंट टू स्पेसिफाई मॉनिटर। ध्यान रहे, जो पिट्यूटरी एडिनोमा की जो सर्जरी होती है, उसमें जो कॉम्प्लिकेशन के रूप में विजन इफेक्ट हो सकता है, यानी कि जो विजन है उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो इसके लिए जो मॉनिटर किया जाना है वो क्या है। तो हाईली सिग्निफिकेंट पूछा है। हाईली सिग्निफिकेंट में देखिए फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन सी है, विजुअल एक्विटी एंड विजुअल फील्ड, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन एब्सेस इज मोर फ्रिक्वेंसली डायग्नोस इन पीपल हु आर, यानी कि किसमें मोर फ्रिक्वेंटली देखा गया है ब्रेन एब्सेस की कंडीशन, तो जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, यानी कि इम्यूनो सप्रेस जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें इम्यूनो सप्रेस पीपल होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम हो सकती है ब्रेन एब्सेस की। तो इसका जो ऑप्शन बी है करेक्ट ऑप्शन होगा, इम्यूनो सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c इज अ ब्लड टेस्ट दैट रिफ्लेक्ट एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल ओवर ए पीरियड ऑफ अप्रोक्सीमेटली, यानी कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए जो HbA1c जो टेस्ट किया जाता है, उसका ड्यूरेशन पूछा है, कितने टाइम के बाद में किया जाना चाहिए। तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, टू टू थ्री मंथ इसका ड्यूरेशन होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द साइड दैट इज द हाईएस्ट रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ द इंसुलिन, जो शुगर के लिए जो इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, शुगर के जो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए जो इंसुलिन दिए जाते हैं, तो उनका एब्सॉर्प्शन हाईएस्ट रेट कौन सी साइड्स पे होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये इन सभी थाइड्स के साइड के थ्रू अपन क्या दे सकते हैं, इंसुलिन दे सकते हैं, जैसे थाई से, अपर आर्म से, है ना, और एब्डोमेन से, ये सब साइट्स है इंसुलिन देने की, लेकिन इसमें हाईएस्ट रेट एब्सॉर्प्शन की पूछी है, तो वो है ऑप्शन ए, एब्डोमेन से हाईएस्ट एब्सॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्यूरेट डेली वेट मस्ट बी रिकॉर्डेड फॉर पेशेंट। देखिए फ्रेंड्स, जो किडनी फेलियर होते हैं, उनके वेट रिकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वेट रिकॉर्डिंग करना चाहिए। तो जो किडनी डिजीज है, उसके लिए जो वेट रिकॉर्डिंग है, वो वाटर रिटेंशन को इंडिकेट करता है, कितना वाटर रिटेंशन हुआ है। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही पूछा है, एक्यूरेट डेली वेट मस्ट बी रिकॉर्डेड फॉर पेशेंट विद द किडनी डिजीज बिकॉज ऑफ द वन किलोग्राम वेट गेन इज इक्वल टू रिटेंड ऑफ फ्लूड, यानी कि एक किलोग्राम अगर वेट बढ़ता है, तो यानी कि उसमें कितना फ्लूड रिटेंड हुआ है। तो फ्रेंड्स, एक किलोग्राम है तो 1000 ml उसमें फ्लूड रिटेंड होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग केग्जिलेट रिटेंशन एनिमा। देखिए फ्रेंड्स, जो केग्जिलेट रिटेंशन एनिमा है, वो पोटेशियम के रिमूव के लिए किया जाता है, अगर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसमें केग्जिलेट एनिमा दिया जा सकता है। इट शुड बी रिटेन फॉर, इसका ड्यूरेशन पूछा है। तो फ्रेंड्स, जो केग्जिलेट एनिमा का ड्यूरेशन है, वो 30 to 45 minutes, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर केग्जिलेट रिटेंशन एनिमा, एक क्लिनसिंग एनिमा इज यूजुअली गिवन टू, यानी कि जो क्लिनसिंग एनिमा क्यों दिया जाता है केग्जिलेट एनिमा के बाद में। देखिए फ्रेंड्स, इस एनिमा से एक डायरिया की कंडीशन हो सकती है, तो इसको क्लिनसिंग, यानी कि जो इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए क्लिनसिंग एनिमा दिया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी होगा, वो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द रीजन फॉर देन 90% ऑफ रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन वुमेन, यानी कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मोस्टली वुमेन में क्यों होता है, उसका कारण पूछा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, री इन्फेक्शन विथ न्यू बैक्टीरिया, ठीक है फ्रेंड्स, ये आ जाएगा इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्राइटेरियन दैट इंडिकेट माल फंक्शनिंग ऑफ पेसमेकर, आप जो पेसमेकर माल फंक्शनिंग कर रहा है, उसको कैसे इंडिकेट किया जाएगा, वो पूछा है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जब ECG लेते हैं, तो नो स्पाइक अपेयरिंग इन द ऑन ECG, तो ये आप ये इंडिकेशन है कि जो पेसमेकर है, वो सही तरह से काम नहीं कर रहा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है,
देखिए फ्रेंड्स, ए पेशेंट रिसीविंग इंट्रावेनस एमिनोफाइलिन शुड बी मॉनिटर फॉर, जो एमिनोफाइलिन दिया जा रहा है पेशेंट को, तो उसके लिए क्या मॉनिटर करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। जो एमिनोफाइलिन है वो जो पल्स रेट होती है उसको कम कर देता है, यानी कि ब्रेडिकार्डिया करता है। तो इसका जो किसके लिए रेट करना किसके लिए मॉनिटर किया जाना चाहिए, तो पल्स रेट मॉनिटर किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो ऑप्शन है इसका जो ऑप्शन होगा 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हाइपोटेंशन होगा, क्योंकि इसमें जो हाइपोटेंशन भी कर सकता है, बीपी लो कर देता है, तो इससे हाइपोटेंशन के लिए मॉनिटर किया जाना चाहिए। ठीक है, ये डिक्रीज पल्स रेट नहीं होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ सोडियम इन 1 ग्राम ऑफ साल्ट, 1 ग्राम साल्ट में कितना सोडियम होता है वो पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 393 मिलीग्राम होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, 1 ग्राम साल्ट में, 1 ग्राम सोडियम में, 1 ग्राम साल्ट में इतना सोडियम होता है, 393 मिलीग्राम। देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे निकाले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि जो NaCl इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, NaCl, तो इसका टोटल जो 1 ग्राम NaCl है उसका टोटल मास कितना होता है, वो 58 ग्राम होता है, 58 ग्राम होता है। ठीक है, और इसमें सोडियम कितना है, सोडियम का पूछा है, तो सोडियम है 58 में 23, रफली जो है वो 23 ग्राम होता है, और तो ये 23 में 58 का भाग देंगे तो रफली 396 आ जाएगा, 0.396 ये ग्राम में आ गया, और मिलीग्राम में पूछा है तो रफली हो गया 396 मिलीग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 396 मिलीग्राम तो इसमें दे नहीं रखा, तो इसके जो अप्रोक्स जो वैल्यू है 393 मिलीग्राम, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द नर्स प्रोवाइडिंग केयर टू पेशेंट विद द वास्ट वाटर सील ड्रेनेज ऑब्जर्व फ्लक्चुएशन इन द वाटर सील चैम्बर, इसमें जो वाटर सील चैम्बर में फ्लक्चुएशन ऑब्जर्व करती है, तो ये फ्लक्चुएशन जब भी होता है तो यानी कि जो सिस्टम है वो प्रॉपर काम कर रहा होता है, ये ध्यान रखना। अगर बबलिंग होती है तो वहाँ पे एयर लीक हो रही है ट्यूब में, तो ध्यान रहे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी होगा, द सिस्टम इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज इज गिवन टू पेशेंट विद द हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी के पेशेंट को लैक्टोज दिया जा रहा है, तो उसका क्या पर्पज है। तो ध्यान रहे जो लैक्टुलोज है वो क्या करता है, हटाता है किसको, अमोनिया की कंसंट्रेशन को कम करता है ब्लड में, ये भी ध्यान रखना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, रिड्यूस ब्लड अमोनिया कंसंट्रेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ MELD स्कोर इन टू डिटरमाइन, तो जो MELD स्कोर है वो क्यों किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑर्गन एलोकेशन प्रायोरिटीज। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है पेनक्यूरियम, पेनक्यूरियम इज एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट PEEP डायग्नोस एट ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। पी ये क्या है, पी पी पेप यानी कि ये क्या है, जो वेंटिलेशन है उसका मोड है, तो ये क्यों दिया जाता है, पेनक्रोनियम क्यों दिया जाता है जब जब वेंटिलेशन पे पेशेंट होता है इस मोड पे, तो पेनक्रोनियम दिया जाता है वो उसका पूछा है इसमें ऑब्जेक्टिव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, टू रिड्यूस पेशेंट फाइटिंग विद द वेंटिलेटर, इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। टू प्रिवेंट द पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हेपरिन मस्ट बी कंटिन्यू अंटिल द इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो इन विद इन द थेरेपेटिक रेंज ऑफ, तो यानी कि थेरेपेटिक रेंज इसका INR का कहाँ तक रहेगा, वहाँ तक अपन उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। INR है वो हिपेरिन के लिए किया जाता है, तो इसमें क्या है, इसका जो INR 2 to 2.5 तक होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। पेशेंट हु रिसीव कंटिन्यूस टाइम्ड इंटरवल फाइटिंग शुड बी फीडिंग शुड बी मॉनिटर सेमी रिकमेंडेड ड्यूरिंग द फीडिंग एंड फॉर ए मिनिमम ऑफ, पेशेंट हु रिसीव कंटिन्यूस और टाइम्ड इंटरवल फीडिंग शुड बी पोजिशन सेमी रिकमेंडेड ड्यूरिंग फीडिंग एंड फॉर ए मिनिमम ऑफ, यानी कि जो पोजिशन है वो कितनी मिनिमम टाइम के लिए पूछा है, तो इसमें ऑप्शन सी होगा, 30 मिनट आफ्टर वर्ड। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम लेंथ ऑफ इफेक्टिव पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। इसका जो पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का जो टाइमिंग है वो पूछा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी है 6 वीक। फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, तो इसको आप ज़रूर देखिए वीडियो को। द ट्रेकियोस्टोमी टेप शुड बी एडिक्वेटली टाइटन टू प्रिवेंट डिसलॉजमेंट, टाइटन द टेप अंटिल ओनली। इसका जो क्या है जो टेप है उसको टाइट कर कब तक किया जाना चाहिए वो पूछा है इसमें, तो इसका जो है ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। टू फिंगर्स कैन बी कम्फर्टेबली इंसर्ट, यानी कि उसके अंदर टू फिंगर इंसर्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है वन ऑफ द क्राइटेरिया टू वीन ए पेशेंट फ्रॉम वेंटिलेटर इज वाइटल कैपेसिटी, तो इसकी जो वाइटल कैपेसिटी है जो विनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो कितनी है, तो फ्रेंड्स इसकी जो करेक्ट वैल्यू है ऑप्शन बी है 10 से 15 ml/kg। यूजुअली नो ड्रेन आर यूज आफ्टर न्यूमोनेक्टोमी, न्यूमोनेक्टोमी के बाद में ड्रेन नहीं किया जाना चाहिए, क्यों ये पूछा है इसमें, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ड्रेन में कोज न्यूमोथोरिक्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए मीडियास्टिनल शिफ्ट इज प्रिवेंटेड, ठीक है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट प्रायोरिटी वेन प्रमोटिंग ओरल हाइजीन टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट, एक अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए ओरल हाइजीन के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी पूछी है, तो इसमें प्रिवेंट एस्पिरेशन होगा, इसका ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बक्कल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग मेडिकेशन इज केप्ट इन द माउथ अगेंस्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ, यानी कि किसके अगेंस्ट इसको केप्ट रखा जाना चाहिए, तो किसके अगेंस्ट रखते हैं, तो ये है टंग, द टंग ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रोक पेशेंट यूजेज हिज स्ट्रॉन्गर एक्सट्रीमिटी टू गिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टू द वीकर एक्सट्रीमिटीज, दिस इज द एग्जांपल ऑफ, तो फ्रेंड्स ये एग्जांपल है पैसिव रेंज ऑफ मोशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज प्रिवेंट, किसको प्रिवेंट करती है, तो ये कॉन्ट्रेक्चर को प्रिवेंट करती है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 व्हेन असेसिंग ए पेशेंट टू स्टैंड फॉलोइंग ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ बेड रेस्ट द नर्स मस्ट केयरफुली असेस फॉर स्टेडीनेस ऑफ गेट ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन रेस्पिरेटरी रेट डिपेंडेंट एडिमा, तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा यानी कि जो बेड रेस्ट पे पेशेंट है द नर्स मस्ट केयरफुली स्टैंड फॉलोइंग ए प्रोलॉन्ग पीरियड, यानी कि उसको पेशेंट प्रोलॉन्ग पीरियड तक बेड रेस्ट है, उसको स्टैंड मतलब खड़ा करते टाइम किस चीज़ का मॉनिटर करना ज़रूरी है, तो वो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन को मॉनिटर करना ज़रूरी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है टेप प्रोपरनोलोल 100 mg है ओरल हैज बीन प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन फॉर पेशेंट, द नर्स फाइंड दैट ओनली 40 mg टेबलेट आर अवेलेबल, यानी कि 100 mg देनी है, 40 mg की एक टेबलेट है, तो कितनी दी जानी चाहिए, तो 2.5 दी जानी चाहिए, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये आप कर लोगे। मेजरिंग ऑफ द पीएच ऑफ एस्पिरेट इज रिकमेंडेड मेथड टू कंफर्म प्लेसमेंट ऑफ द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, विच ऑफ द फॉलोइंग पीएच वैल्यू शोज दैट द ट्यूब इज इन द स्टोमक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी होगा 5 पीएच होना चाहिए। देन साइज ऑफ द कैथेटर यूज फॉर यूरिनरी कैथेटर फॉर एडल्ट, यानी कि यूरिनरी कैथेटर एडल्ट में कितनी साइज का होता है, तो 12 से 14 फेराइड का होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वैल्यू दे रखी है फ्रेंड्स, वैल्यू देखिए पीएच 7.5 है, PCO2 46 mmHg और SCO3 30 mEq पर डेसीलीटर, पोटेशियम का रेंज ऑल रेंज नॉर्मल है, लेकिन इसमें देखिए फ्रेंड्स इसमें SCO3 है वो 30 mEq है, यानी कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो ABG वैल्यू दे रखी है ये, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगा, क्योंकि इसमें SCO3 की वैल्यू बढ़ी हुई है, SCO3 की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू है वो 22 से 27 होती है, तो ये होनी चाहिए, लेकिन इसका जो है 30 mEq है तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो इसका जो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस है इसका वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टोटल कैलोरी गेटिंग फ्रॉम द इन्फ्यूजन ऑफ 100 ml ऑफ 5% डेक्सट्रोज, देखिए फ्रेंड्स 100 ml 5% डेक्सट्रोज मीन्स यानी कि इसमें डेक्सट्रोज कितना ग्राम हो जाएगा कि 100 ml में, यानी कि 100 ml में 5 ग्राम है, तो 100 ml में कितना हो जाएगा, सॉरी 1000 ml में कितना हो जाएगा, 1000 ml में हो जाएगा ये 50 ग्राम हो जाएगा, ठीक है 50 ग्राम
आपको पता है कि 1 ग्राम के अंदर 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। 4 किलो कैलोरी एनर्जी कितने ग्राम के अंदर होती है? 1 ग्राम के अंदर, तो 50 ग्राम के अंदर होगी 200, क्योंकि 4 से 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज ऑफ न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न की नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल पूछा है, तो इसमें 18 से 20 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाएगा, ठीक है, 18 से 20 ग्राम पर डेसीलीटर है न्यूबॉर्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन पूछा है, तो ऑप्शन बी है आरएल, वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू परफॉर्म कैथेटराइजेशन द नर्स शुड प्लेस ए वुमेन इन द, किसमें जो कैथेटराइजेशन है उसके लिए जो पोजिशन है वो पूछा गया है, तो इसकी जो कैथेटराइजेशन के लिए डोर्सल रिकमेंड पोजिशन है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एपिकल पल्स कैन बी असेस एट, तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, बिटवीन 5th to 6th इंटरकोस्टल स्पेस मेडिक्लेविकल लाइन, लेफ्ट मेडिक्लेविकल लाइन, ये इसकी पोजीशन होनी चाहिए एपिकल पल्स चेक करने की साइट। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो जो MI का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो है डिसरिदिमिया हो जाना, वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी मॉनिटर फॉर पेशेंट रिसीविंग वारफेरिन, देखिए फ्रेंड्स वारफेरिन के लिए INR चेक करना जरूरी है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ एमिनोफाइलिन एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका जो साइड इफेक्ट है वो है हाइपोटेंशन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, ये भी दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। व्हाट इज द कंफर्टेबल पोजिशन गिवन फॉर क्लाइंट ऑफ एम्फाइसिमा, एम्फाइसिमा के लिए कौन सी पोजिशन दी जानी चाहिए, तो ऑर्थोपेनिक पोजिशन है वो है इसके लिए कंफर्टेबल। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल BUN क्रिएटिनिन रेशियो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, BUN और क्रिएटिनिन रेशियो कितना होना चाहिए नॉर्मल, तो 10:2 होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये 40 क्वेश्चन थे, ज़्यादा हो जाएंगे इसमें, आगे के क्वेश्चन अपन बाद में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।